हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे जो बॉयलर हैं, आज इनकी एज है 27 दिन है। 26 दिन कल कंप्लीट हुई और सब कुछ ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, बढ़िया। और मौसम भी 2-3 दिन से अच्छा है। और पिछले करीब एक हफ्ते से मैं साइड पे ही था, बनारस की तरफ में, उधर ही 2-3 साइडें चल रही हैं, तो मैं उधर ही था। और आज 2-3 दिन से मौसम सही है, अपने इधर बारिश भी हो रही है। आज भी थोड़ा सा बादल है, लेकिन थोड़ा बहुत धूप है। और बर्ड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है और टेम्परेचर भी साथ दे रहा है। पिछले 2-3 दिन पहले गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि स्प्रिंकलर वगैरह चलाना पड़ रहा था ऊपर का, जो पत्रे के ऊपर है। और इस वाले में भी, दोनों में भी बर्ड अच्छे से फीड इनटेक, वाटर इनटेक कर रहा है और वज़न भी बहुत अच्छा है, बुक से आगे ही चल रहा है। 26 दिन का वज़न जो है बुक में 1350 ग्राम है, तो यहाँ भी 1250 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो बर्ड है 1350 ग्राम का है आज 26 दिन का ही फीड खा करके। और 25-26 दिन में इनको हमने नेफ्रोटेक का डोज दिलवाया है और आज भी देंगे, तो आज 3 दिन मिला करके 25, 26, 27, तो 3 डोज हो जाएगा। और वो ड्रिंकर डोज ही दिए हैं, अभी जैसे सुबह में ड्रिंकर धुल करके डायरेक्ट ड्रिंकर में ही डलवा देंगे, और 1 घंटे के लिए पानी वहाँ से बंद कर दिया जाएगा, तो फिर ये पी लेंगे तो फिर फ्रेश पानी खोला जाएगा। इस बार कोई भी मेडिसिन टैंक में हमने नहीं दिया है, सभी मेडिसिन जो भी देना था डायरेक्ट ड्रिंकर डोज दिया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि आपकी पाइपलाइन साफ़ रहती है, टैंक साफ़ रहती है, जो टैंक में जो अनवांटेड स्मेल आने लगती है वो सब नहीं आती, पानी उसका फ्रेश रहता है। वहाँ पे केवल पानी का क्लीनर और क्लीन टैब वगैरह वही चलता है टैंक में, बाकी जो भी मेडिसिन है सब इसमें दिलवा रहे हैं। और मोर्टलिटी आज तक 119 हुई है, 2 दिन से सुपरवाइज़र आया नहीं है। आज की एक है इसमें और एक उसमें है, कल भी 2 थी और आज भी 2 है, तो टोटल उसके पहले 115 थी और 2 दिन की मिला करके 4, 119 है मोर्टलिटी अभी तक। और देखते हैं कब तक इसकी लिफ्टिंग होगी, 35-36 दिन में हमको लगता है कि नवरात्र जैसे स्टार्ट होगा उसी में लिफ्टिंग होगी। रेट तो अभी अच्छा है, हमको बस यही घाटा होगा फार्मर का कि थोड़ा सा रेट इंसेंटिव जो मिलने वाला था, अगर रेट कम हो जाएगा तो रेट नहीं मिलता है फार्मर को, तो ये कुछ होता है किसी त्यौहार और कुछ अगर ऐसा पड़ जाता है तो। बाकी अभी सुबह के 8 ही बज रहे हैं और 8 बजे फीडिंग डल चुकी है और बर्तन वगैरह धुलाई हो चुकी है। और अब जो है जो लीटर रैकिंग जो है वो पर डे होती है, दोनों शेडों में, इसमें भी और इसमें भी पर डे लीटर रैकिंग होती है। अगर एक दिन आप छोड़ देंगे तो इतनी चिपक जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो पर डे रैकिंग होती है तो उससे एकदम सूखा रहता है इसका बिछावन। और जितना लीटर बिछावन रहे सूखा रहेगा उतना बर्ड फ्रेश रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं जितना फ्रेश बर्ड दिख रहा है आपको, ये सब लीटर का ही कमाल है कि आप जितना लीटर सूखा रखेंगे उतना ही चांसेस, जो बीमारियों के चांसेस हैं वो बर्ड में कम से कम होंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।